हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन नर्सिंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया का एनाटॉमी। सो एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा जो ओबीजी का इंट्रोडक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है, ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, गायनेकोलॉजी क्या है, वो सब अपन ने देख ली। बट अब इसका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देखेंगे क्या है, कौन से ऑर्गन से। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो अपन ने बोला था, इसको वल्वा बोलते हैं और पुडेंडम बोलते हैं। सो इसके अंदर कौन से ऑर्गन है और कौन से पार्ट है, उसको देख लेते हैं अपन। वल्वा कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, इसके अंदर मॉन्स प्यूबिस, नेक्स्ट लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमिन, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रा, स्किनिस ग्लैंड और बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। सो इनको वन बाय वन देख लेते हैं अपन क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वल्वा क्या होता है? वल्वुलर एरिया इज कवर्ड बाय केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, जो डार्क पिगमेंटेशन होता है, डार्क पिगमेंटेशन किसका, ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है उसका डार्क पिगमेंट क्यों होता है डार्क, तो वो होता है जो वहाँ पे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये एपिथेलियम प्रेजेंट होता है इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्स प्यूबिस, जिसका दूसरा नाम है मॉन्स वेनेरिस। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ द पैड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फैट टिश्यू होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसका एक पैड है। ठीक है, ये उससे बना होता है। इन दी अडल्ट फीमेल इट इज़ कवर्ड बाई हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स होते हैं। जो अडल्ट फीमेल में ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है वहाँ पे प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होते हैं। और एक नोट है, ठीक है, यहाँ पे एक नोट देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? उसको बोलते हैं प्यूबिक आर्क। और जैसे थैलार्की होता है, प्यूबिक आर्की होता है, सो ये सारे होते हैं। तो प्यूबिक आर्की मीन्स प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट या ग्रोथ। ठीक है, अब जो प्यूबिक हेयर पैटर्न होता है उसका पैटर्न कैसा है, हेयर पैटर्न कैसा है, उसको बोलते हैं स्केचियन होता है। और जो स्केचियन बोलते हैं, और फीमेल्स के अंदर होता है ट्राइंगुलर, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड ट्राइंगुलर। ठीक है, और मेल्स में कैसा होता है? मेल्स में होता है डायमंड शेप। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन आगे। सो स्केचियन क्या होता है? स्केचियन होता है इट इज़ द शील्ड लाइक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को बोलते हैं स्केचियन। ठीक है, द नॉर्मल फीमेल स्केचियन इज ट्राइंगुलर पॉइंटेड डाउनवर्ड। पॉइंटेड डाउनवर्ड मीन्स इन्वर्टेड ट्राइंगल टाइप। सो इन्वर्टेड ट्राइंगल को बोलते हैं पॉइंटेड डाउनवर्ड। सो ये ट्राइंगुलर होता है फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर स्केचियन इज डायमंड शेप। ठीक है, डायमंड शेप का होता है मेल्स के अंदर। ऐसे इस पैटर्न में प्यूबिक हेयर ग्रोथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेबिया मेजोर। लेबिया मेजोर में क्या है वो देखते हैं। साइड द एलिवेशन ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो साइड में होते हैं, जो साइड होता है। एक बार अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये फीमेल जेनाइटेलिया है जिसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे लेबिया मेजोरा। सो लेबिया मेजोरा जो साइड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। सो इसके अंदर देख लेते हैं अपन, जैसे प्रीप्यूज होता है, जो क्लाइटोरिस हुड होता है उसके ऊपर जो एक कवरिंग होती है उसको बोलते हैं प्रीप्यूज। और ये कवरिंग मेल्स के अंदर होमोलोगस किसके ऑर्गन के है, ऑर्गन या किस पार्ट के है, वो है फोरस्किन। ठीक है, अब आती है क्लाइटोरिस। ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। इसके नीचे एक फ्रेनुलम होता है, झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर, और ये साइड में जो होता है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और ये ओपनिंग होती है, ये यूरेथ्रल मिटस या यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं इसको। और जो ये इनर लिप जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा या माइनस बोलते हैं। और ये होता है लेबिया वो वेजाइनल ओपनिंग या इंट्रोइटस। ठीक है, ये यहाँ पे इसके अंदर होती है हाइमेन और वेस्टिब्यूल, फिर फोर्सिट इसका लास्ट कॉर्नर होता है। ठीक है, और ये पोस्टीरियर कमिश्नर और एनस। ठीक है, ये जो इसका स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने, अपन डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में लेबिया मेजोरा। सो उसको देखते हैं अपन क्या है। सो अपन ने ये देख लिया कि साइड में होता है, फॉर्म द पोस्टीरियर कमिश्नर इन द फ्रंट ऑफ एनएस। तो अपन ने देखा ही एनएस के फ्रंट पोस्टीरियर, फ्रंट में जो पोस्टीरियर कमिश्नर बनाता है ये लेबिया मेजोरा। और कंटेनिंग स्वेट ग्लैंड्स, और इस लेबिया मेजोरा के अंदर स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और होमोलोगस टू द स्क्रोटम इन द मेल्स, मेल्स के अंदर जो स्क्रोटम होता है उसके होमोलोगस होता है ये लेबिया मेजोरा। ठीक है, नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है? लास्ट देख रहा, लेबिया मेजोरा देख लिया और आप देख रहे हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये क्या होता है? टू थिन फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन के फोल्ड होते हैं, इनर साइड में होते हैं। ठीक है, जिसको इनर लिप भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है एंटीरियरली फ्रंट ऑफ द क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के फ्रंट में, इन द टू फॉर्म द प्रिप्यूज। प्रिप्यूज अपन ने देख लिया, जो क्लाइटोरिस के ऊपर एक हुड होता है, जो क्लाइटोरिस हुड के ऊपर प्रिप्यूज बनाता है उसको बोलते हैं प्रिप्यूज, हुड ऑफ द क्लाइटोरिस एंड बिहाइंड द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के पीछे होता है एक फ्रेनुलम, जो अपन ने देख लिया, ऊपर प्रिप्यूज नीचे फ्रेनुलम। ठीक है, द लोअर पोर्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा फ्यूज टू फॉर्म फोरशीट। जो लेबिया माइनोरा का जो लोअर पोर्शन था अपन ने देखा, लोअर पोर्शन उसको बोलते हैं फोरशीट। ठीक है, अब आती है इट इज़ यूजुअली लिसरेटेड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम ये लिसरेटेड होता है, मीन्स टीयर हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, कौन सा? ये जो लोअर पोर्शन है ये फोरशीट वो। ठीक है, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, लेबिया माइनोरा में और मेजोरा में क्या डिफरेंस है, ये है इसके अंदर कोई हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, नो हेयर फॉलिकल्स और नो स्वेट ग्लैंड्स उसके अंदर होते हैं लेबिया मेजोरा में, बट इसमें नहीं होते। ठीक है, अब ये होमोलोगस किस कौन से ऑर्गन के है? ये होमोलोगस किसके है? होमोलोगस टू द पीनाइल यूरेथ्रा एंड द पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ द पेनिस इन मेल्स। मेल्स का जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट उसकी जो स्किन होती है थिन, उसके होमोलोगस होता है ये लेबिया माइनोरा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी या टिश्यू बोल सकते हैं, जो इरेक्टाइल टिश्यू से बनी होती है, स्मॉल सिलेंड्रिकल होती है। इसका डायमीटर, इसका मेजरमेंट होता है कि 1.2 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड बॉडी एंड टू कोरूरा। ये दो कोरूरा होते हैं इसके अंदर, एक तो ऊपर वाला ग्लैंड्स होता है, फिर इसके अंदर बॉडी, अप साइड में ग्लैंड्स होता है, फिर बॉडी होती है, फिर बाद में इसके साइड में दो होते हैं कोरूरा। सो इसका ध्यान रखने वाली बात ये है। ठीक है, अब ये क्या है? कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल, दो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू वो उनका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। सो दो सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, उनका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं द ग्लैंड्स इज कवर्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम एंड इट इज रिच इन सप्लाइड विद नर्व्स। इस जो ग्लैंड्स होता है, क्लाइटोरिस होता है, उसकी ग्लैंड्स होता है, उसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं और उसके अंदर जो नर्व एंडिंग्स होती है ना वो बहुत होती हैं। सो उसकी वजह से वो सेंसिटिव एरिया होता है। ठीक है, और हाईली सेंसिटिव होता है। क्लाइटोरिस किस ऑर्गन के होमोलोगस है? होमोलोगस टू द पेनिस इन द मेल। मेल के जो पेनिस होता है उसके होमोलोगस होती है क्लाइटोरिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन वेस्टिब्यूल क्या है। वेस्टिब्यूल इट इज़ द ट्राइंगुलर शेप, एक इमेजिनरी ट्राइंगुलर बनाएं, उसकी शेप क्या है? बाउंडेड एंटीरियरली बाय द क्लाइटोरिस। एंटीरियर साइड में तो ऊपर की साइड है जो क्लाइटोरिस से बाउंडेड है, पोस्टीरियरली किसे है? फोरशीट, नीचे की तरफ फोरशीट है, एंड आइदर साइड में कौन है? लेबिया माइनोरा। सो इससे मिलके बनता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, और वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होती है? 4 ओपनिंग्स होती हैं, 4 ओपनिंग्स इन द वेस्टिब्यूल। सो कौन सी हैं वो? फर्स्ट है यूरेथ्रल ओपनिंग सिचुएटेड इन द मिड लाइन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट पहले या ऊपर की तरफ बोल दो। ठीक है, वहाँ पे होती है वेजाइनल, ये यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग की डायमीटर है वो होता है 1.2 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्च। सॉरी, डायमीटर नहीं है ये, जो प्यूबिक आर्च होती हैं और प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनके जस्ट बिलो होता है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेजाइनल ओरिफिस और हाइमेन। हाइमेन क्या है और वेजाइनल ओरिफिस क्या है? सो वेजाइनल ओरिफिस इन वर्जिन एंड नलीपेरा द ओपनिंग इज क्लोज्ड बाय द लेबिया माइनोरा बट इन बेरस इट इज एक्सपोज्ड, इट मे बी एक्सपोज्ड। ठीक है, जो हाइमेन होती है, जो वर्जिन या जो नूनली पैरा लेडीज़ होती हैं उनके अंदर जो हाइमिन होता है, ये हाइमन प्रेजेंट होता है, उनके अंदर ये टीयर नहीं होता, प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट जो प्राइमी ग्रेविडा हैं या जिसने एक फर्स्ट टाइम कभी इंटरकोर्स किया है, सो उनके अंदर ये क्या है कि एक्सपोज हो जाती है और ये फट जाती है, ठीक है, जो ये हाइमिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाई सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमिन। जो मैंने अभी बताया, हाइमिन क्या है, एक इनकम्प्लीटली क्लोज्ड सेप्टम होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है, उसको बोलते हैं। इट इज लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो ये किस इसके अंदर कौन से होते हैं एपिथेलियम, वो होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड। थर्ड बार्थोलिन ग्लैंड्स में क्या होती है, ये दो ग्लैंड्स होते हैं, मीन्स एक पेयर में होते हैं और इनको बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। ईच ग्लैंड्स हैज़ गोट अ डक्ट विच मेजर्स 2 सेंटीमीटर। जो ये ग्लैंड्स होते हैं बाहर की तरफ सिचुएटेड होते हैं और उन फिर वो डक्ट के थ्रू इनकी जो सीक्रेशन है वो वेजाइना की ओपनिंग है वहाँ पे करते हैं, तो उन डक्ट की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं 2 सेंटीमीटर, वो होती है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। During sexual excitement, it secretes abundant alkaline mucus which helps in lubrication. So जो sexual excitement है उसके अंदर जो ये बार्थोलिन ग्लैंड है ये एल्कलाइन म्यूकस सीक्रेट करती है जो लुब्रिकेशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो डक्ट इज लाइन्ड बाय कोल्यूमनर एपिथेलियम। जो कोल्यूमनर एपिथेलियम से ये जो डक्ट होती है इसकी बार्थोलिन ग्लैंड की, वो कोल्यूमनर एपिथेलियम से लाइंड होती हैं, ठीक है। बट नियर द ओपनिंग ऑफ द बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। डक्ट्स के अंदर तो कोल्यूमनर एपिथेलियम होती है और जब ये डक्ट्स की ओपनिंग होती है वहाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती हैं, उनसे कवर्ड होती है, ठीक है। ये अभी इस ग्लैंड का होमोलोगस कौन सा था मेल्स के अंदर, होमोलोगस टू द बल्ब ऑफ द पेनिस इन द मेल। मेल के अंदर जो बल्ब है पेनिस का उसके होमोलोगस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्किनीज ग्लैंड। स्किनीज ग्लैंड को दूसरा बोल सकते हैं फीमेल प्रोस्टेट। मेल के अंदर प्रोस्टेट अलग होता है, सो फीमेल का प्रोस्टेट होता है ये जो स्किनीज ग्लैंड होता है। ये क्या होता है, लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होता है ये। होमोलोगस टू द प्रोस्टेट इन द मेल, जो मैंने अभी बताया मेल्स के प्रोस्टेट के होमोलोगस है। 2 स्किनीज डक्ट्स होती हैं, 2 स्किनीज डक्ट होती हैं, वो ओपन करती हैं किसके अंदर, वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल के अंदर आके ओपन होती हैं। अब आती हैं नेक्स्ट प्यूबिक फ्लोर। प्यूबिक फ्लोर बोल दो या प्यूबिक डायफ्राम बोल दो, उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर मसल्स होती है, मसल्स का पार्टीशन होता है, सो मस्कुलर पार्टीशन होता है। सेपरेट द पेल्विक कैविटी फ्रॉम द एनाटोमिकल पेरिनियम। सो पेल्विक कैविटी को एनाटोमिकल जो पेरिनियम होता है उस एरिया को सेपरेट करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेट ऑफ मसल्स। तीन टाइप की मसल्स होती हैं इसके अंदर। फर्स्ट होती है प्यूबोकोकिजियस और इलियोकोकिजियस और इस्चियोकोकिजियस। जो प्यूबिस इस्चियल और इलियम इस्चियम जो बोन्स होते हैं उसके रिलेटेड इनका नाम बनाए हैं, सो इनको इंक्लूडिंग इनको तीनों को मिला के बोलते हैं लेवेटर एनाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर की मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं लेवेटर एनाई, ठीक है, इन तीनों को बोलते हैं, ठीक है। जो लेवेटर एनाई इज कवर्ड बाय प्यूबिक फेसिया, सो प्यूबिक फेसिया से ये लेवेटर एनाई कवर्ड होती हैं। एंड द मसल विच कवरिंग द फेसिया, प्यूबिक फेसिया, उसको बोलते हैं पेल्विक डायफ्राम। जो ये प्यूबिक फेसिया है उसको कवर करते हैं उसको बोलते हैं पेल्विक डायफ्राम। सो ये इसका था। आज हम अपन ने ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया था वो अपन ने पूरा कवर किया, इसमें जो जो ऑर्गन्स थे उनका जो फंक्शन था वो सब अपन ने देखे 1 बाय 1। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे इंटरनल जेनिटेलिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।